ये है कामधेनु भारत। नाम दीपक पतकी है और ये मुग्धा पतकी। हमारा वृंदावन गौशाला करके है, हमारी मुलसी के इधर गौशाला है। 40 गाय हमने रखी है, उसमें कांक्रीट गाय के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं और नस्ल सुधार वगैरह ये काम उसके ऊपर हमारा काम चालू है। एक करोड़ बिन दुधारू गायों को गांव-गांव तक किसानों के घर पहुंचाने की वृहद योजना गौ ग्राम योजना श्री हरि सत्संग समिति का संकल्प। पहला चरण 12 नवंबर 2021 पश्चिम बंगाल के नकाशीपाड़ा में किसानों को गाय दी गई। दूसरा चरण 12 दिसंबर 2021 झारखंड के दुम्मा में किसानों को गाय दी गई। अब किसान होंगे आत्मनिर्भर, जैविक खाद से करेंगे खेती, गोबर और गोमूत्र से बनाएंगे उत्पाद। श्री हरि सत्संग समिति की गौग्राम योजना में आप भी भागीदार बने और श्रद्धानुसार गाय का दान करें। एक गाय का दान ₹25,000। सहयोग राशि देने के लिए विवरण इस प्रकार है। आपके द्वारा दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त है। जय गौ माता। हमारे जो प्रोडक्ट है उसके ऑर्गेनिक तरीके से ही हम काम कर रहे हैं। हमारा घी है, बाकी ऑर्गेनिक शैम्पू है, तेल है, नस्य है, सोप है, हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, ऐसे जो नॉर्मल रेगुलर यूज करने के लिए प्रोडक्ट है वो हम यूज करते हैं। और उसमें हमने हमारा खुद का ही बनाने का जो है गौशाला के इधर ही हम सब बनाते हैं। ये प्रोडक्ट ज़्यादातर पंचगव्य से ही बनाते हैं। हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खेती में यूज करते हैं, अनाज बनाते हैं, तो ये इसके ऊपर हमारा काम चालू है। और हमारा फ्यूचर में प्लान ऐसे है, गोमय प्रोडक्ट में से गोबर का पाउडर बनाना या गोबर गैस में काम करना, LPG जो बोलते हैं उसके पैरेलल प्रोडक्ट बनाना। और मेन बात ये है कि दूध, प्योर दूध, रॉ मिल्क सबको, यानी जो हमारे कस्टमर है उनको प्रोवाइड करना, ये हमारा काम है। 30 लीटर दूध से हम लोग ये बनाते हैं, तो 30 लीटर दूध शाम को हम लोग उसका रॉ मटेरियल लगा देते हैं, दही वगैरह लगा के उसका रख देते हैं। सुबह जितनी सुबह हो सकते हैं, मतलब 6 से पहले हम उसको स्टार्ट कर देते हैं बटर मिल्क बनाना। और बटर मिल्क के बाद जो बटर आता है उससे हम ये घी बनाते हैं। 30 लीटर का 1 किलो ही घी बनता है। एक्चुअली हमारा नेचुरल ग्रेजिंग है, ब्रीडिंग भी नेचुरल है, सूखा चारा भी लगता है और हम कैटल फीड जनरली यूज़ नहीं करते। जो जंगल में से वो खा के आती है वही, उसके ऊपर ही जो दूध मिलता है हमें उसके ऊपर से हम आगे का काम करते हैं। मई अप्रैल में हरा चारा लगता है, उसके लिए हम दूसरे के ऊपर से मक्का वगैरह जो लगता है वो हम बाहर से करके लेते हैं। वो काम जो कुट्टी जो कड़वा बोलते हैं हम, तो उसका जो अराउंड 70,000 to 80,000 के आसपास एक गाड़ी जाती है। ऐसे हमें 3-4 गाड़ी तो लगती है साल में। और हरा चारे के लिए हमें अराउंड 50,000 के आसपास एक गाड़ी का जाता है और ये 4-5 गाड़ी लगती है हरा चारा। हमारा मंथली एवरेज 1.25 लाख के आसपास खर्चा है, उसमें से दूध का हमें 30-40 हज़ार मिलता है और बाकी के ये प्रोडक्ट में से हमें हमारा काम हो जाता है। चारे का भाव अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, 12 रुपये किलो जो सूखा चारा रहता है उसका रेट है, और हरा चारा है उसका भाव है 5 रुपये के आसपास जाता है। गोबर अराउंड 15 किलो के आसपास एक गाय देती है, उसका हम गोबर खाद बनाते हैं, केचुआ खाद भी बनाते हैं, जीवामृत वगैरह ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं, गोमूत्र अर्क बनाते हैं। गोमूत्र तो 10-15 लीटर तो गारंटेड होता ही है, 10 लीटर तो गारंटेड होता है, पर हम वो उसमें से
मिनिमम क्वांटिटी यानी 4-5 लीटर ही हम पकड़ सकते हैं, बाकी का तो जंगल में जाती है, उसके कारण हमारा नहीं होता काम। 40 गाय के लिए हमने 2 फैमिली और 2-4 लेबर जो आते जाते रहते हैं वो रखे हैं। इधर भी हमें लगता है अराउंड 5 लोग इधर भी लगते हैं हमारे कंपनी में काम करने के लिए। हर एक प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से बनता है। फ्लोर क्लीनर यूज़ किया तो फ्लोर क्लीनर में अराउंड 20-25 हज़ार के आसपास का मशीनरी हमने लगाया है। तो ये फ्लोर क्लीनर हमने बायोडिग्रेडेबल बनाया है। मार्केट में जो मिल रहा है वो गोनाइल या फिनेल से बनाते हैं, पर ये हमने बायोडिग्रेडेबल और वास्तु के हिसाब से बनाया ये है। हैंड वॉश FDA अप्रूव्ड है, इसमें भी गोमूत्र एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है। वो हमें आउटसोर्सिंग करके बनाना पड़ता है क्योंकि ये FDA अप्रूव्ड हमारे पास उतना सेटअप नहीं है, उसके कारण हमें बाहर से प्रोक्योर करना पड़ता है। हमारा कंटेंट देख के हम उनसे बना के लेते हैं। और दूसरा पंचगव्य सोप है, वो हमारा हिट प्रोडक्ट है मार्केट में। अभी किसके पास भी पंचगव्य सोप नहीं है, तो वो भी FDA अप्रूव्ड है, वो भी हम करके लेते हैं बाहर से। बाकी प्रोडक्ट इन हाउस हम बनाते हैं, पुणे में बनाते हैं, वो गौशाला मुलसी में है। तो पुणे में जो फैक्ट्री हम बनाते हैं उसके इधर 4-5 लोग लगते हैं। बाकी ओवरऑल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है, खाली फ्लोर क्लीनर के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है। हमारा 40 गाय के पीछे जो खर्चा है वो 1.25 लाख के आसपास है, पर खर्चा तो इतना निकलता नहीं, हमें खुद के जो बाकी का बिजनेस है उसमें से हमें डालना पड़ता है। 40-50 हज़ार निकलता है, पर 60,000 ऑन एन एवरेज मुझे डालना पड़ता है हर मंथ। आगे फायदा हो सकता है, सब गौशाला वाले देखते हैं कि दूध से ही सब खर्चा निकलना चाहिए, तो हमारा भी वही चल रहा है कि दूध का ठीक है, दूध का 30%, गोबर का 30% और गोमूत्र का 30%, इसमें से इनकम आया तो गौशाला अच्छी तरीके से चल सकती है। उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। जो गोबर के पाउडर है उसके ऊपर हम कुछ प्रोसेस करके कुछ प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। और गोमूत्र अर्क तो निकल रहा है पर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं कर रहे हैं हम, उसके ऊपर काम चल रहा है बस।